हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी शबाना शर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने इस वीक की प्रिडिक्शंस लेके 26 अगस्त 2019 से लेकर 1 सितंबर 2019 तक। अब हम करने जा रहे हैं लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि के लिए इस वीक की प्रिडिक्शन। तो टैरोट्स बताइए हमें ये वीक लिब्रंस के लिए कैसे रहने वाला है। हमारे कार्ड्स अब जवाब देने वाले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर उसके बाद द हर्मिट। तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप थोड़ा पैसा सोच समझ के खर्च करिए, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं और उनका इस्तेमाल अगर आपने संभाल कर सोच विचार करके नहीं किया तो आप काफ़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं, क्योंकि आगे एक और बड़ा खर्चा आ रहा है। कुछ खर्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त आप अपना मोटा अमाउंट जो है खर्च कर दें और फिर आपको किसी से उधार लेना पड़े या फिर लोन लेने के लिए आपको सोचना पड़े, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेहत के लिए मैं कहूँगी आपको इस वीक थोड़ी सी कमज़ोरी रहने वाली है। अपनी बोन डेंसिटी चेक करवा लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आंखों की रोशनी भी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आंखों में पानी भी आ रहा होगा, आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। ये चीज़ें आगे आने वाली वीक के लिए मैं बता रही हूँ। तो अपनी आंखों को थोड़ा ठंडे पानी से धोते रहिए, थोड़ा गुलाब जल डालते रहिए, जिससे कि आपकी आँखें तंदुरुस्त रहें। और कामकाज की तरफ अगर हम देखें तो आपका काम, हाँ जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, जो बता रहा है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। कहीं बाहर की जर्नी मुझे नज़र आ रही है, काम के सिलसिले में नज़र आ रही है। उसके बाद हम चलें आपके लकी कलर की तरफ, तो आपका कलर इस वीक रहेगा ब्लैक और आपका लकी नंबर रहेगा 9। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपना वीक आगे प्लान करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट राशि है हमारी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो टैरोस बताइए स्कॉर्पियोज के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। तो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बता रहा है कि डेस्टिनी तो आपको सही दिशा दिखा रही है, लेकिन आप इतने निराश हो रहे हैं, आपको डेस्टिनी पे विश्वास ही नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं आपके सपने पूरे होने में बहुत कठिनाइयां हैं। देखिए, कोई भी जब आप सपना देखेंगे तभी तो पूरा होगा, उन सपनों को देखते रहिए, पर निराश मत होइए। जितना अगर आप नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो जो जैसा आप विचार करेंगे चीज़ें वैसी ही होंगी। अगर आप पॉजिटिविटी में, फेथ में आप रहेंगे और ये सोच के चलेंगे कि एक दिन आपके सपने पूरे होने ही हैं, तभी आपके काम बनेंगे, सपने पूरे होंगे। तो डेस्टिनी पे विश्वास रखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। जो ये कन्फ्यूजन का कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको ऐसा कुछ काम करिए कि ये कहीं गायब हो जाए, आपकी सारी परेशानियाँ आपको परेशान ना कर सके। उसके बाद आया है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, और जहाँ तक अगर प्यार मोहब्बत में देखें तो मुझे ऐसा दिख रहा है, लवर्स का कार्ड आया है। आपकी जो भी स्पाउस हैं या पार्टनर हैं वो शायद आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दोनों के बीच में मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कम्युनिकेशन गैप सा नज़र आ रहा है, या आप काम की वजह से आप बात नहीं कर पा रहे, या वो नहीं बात कर पा रहे, या मिल नहीं पा रहे। तो इस दूरी को हटाइए और टाइम निकालिए और आपस में बात करिए और मिलिए। तो अब हम चलते हैं लकी कलर की तरफ। आपका लकी कलर रहेगा ग्रीन और आपका लकी नंबर रहेगा 5। तो ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज, इन दोनों चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना नेक्स्ट वीक प्लान करिए और इसी हिसाब से प्लान करके जो चीज़ें मैंने बताई जो आपके फेवर में नहीं जा रही हैं उनको चेंज करिए पॉजिटिविटी के साथ, और देखिए आपका नसीब आपको कहाँ लेके जाता है, आपके कर्म आपको कहाँ लेके जाते हैं, सिर्फ एक फेथ से। तो ज़रा सा रुकिए, अब मैं बाकी राशियों के लिए भी राशिफल लेके तुरंत आपके सामने हाजिर होती हूँ। थैंक यू सो मच।